नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं डीएसटी न्यूज़ लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया अस्पताल बना चोरों का प्रमुख अड्डा, चोरों ने एम्बुलेंस से उड़ाई बैटरी। भले ही चंदौली जिले का चकिया अस्पताल जिला संयुक्त चिकित्सालय बेहतर माना जाता हो, लेकिन चकिया संयुक्त चिकित्सालय की व्यवस्था पर इन दिनों काले बादल मंडरा रहे हैं। हॉस्पिटल में दलालों का प्रमुख अड्डा बना हुआ है। नतीजा यह हो रहा है कि आए दिन चोरों द्वारा किसी न किसी मरीज की बाइक उड़ा दी जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी CMS द्वारा कोई भी दलालों पर कार्रवाई नहीं जा रही है। वहीं बीती रात चोरों ने मरीजों को सच सुविधा देने वाले एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। चोरों ने हॉस्पिटल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस की बैटरी चुरा ले गए। रात में एम्बुलेंस चालक ने बैटरी की चोरी की सूचना डायल 100 को तथा CMS को उषा यादव तथा कोतवाली पुलिस को दे दी है। साहबगंज से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए और क्या हुआ है मामला। सर जी, ऐसा है कि हम 102 के पायलट हैं इस गाड़ी के। यहाँ पे हम रात में केस करके आए, गाड़ी खड़ा कर दिए। 11 बजे तक हम लोग कैंपस में ही थे। उसके बाद हम लोग गए खाना खाने, खाना खा के आए। रात में केस मिला और केस मिलने के बाद जब हम गाड़ी पे बैठे स्टार्ट करने के लिए तो स्टार्ट नहीं हुई और हम बोनट खोल के देखे तो बैटरी गायब थी, जो कि हम 100 नंबर पे फोन किए। पुलिस आई, तहकीकात की, उसके बाद बोली कि FIR करके पुलिस में मतलब थाने पे दर्ज करा दो। उसके बाद बताइए, ये कि बड़े दुख की बात है कि एम्बुलेंस भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं बैटरी वैटरी। कैसे सेवा किया जाए बताइए। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए डीएसटी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।